दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को धूल चटाकर जैसे ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में एंट्री मारी, टीम इंडिया के किसान विराट कोहली ने तो जीत के बाद हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के लिए तारीफों के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। वहीं उन्होंने इस मैच का पूरा क्रेडिट हार्दिक पांड्या को देते हुए बता दिया मैच का रियल हीरो। तो आखिर कोहली ने कैसे हार्दिक और रोहित के लिए अनमोल शब्द कहे, कैसे हार्दिक ने दिलाई टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत, क्यों कोहली का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल, क्या कुछ हार्दिक और रोहित के लिए कोहली ने कहा, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर एट में टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के साथ सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता, लेकिन भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन ये फैसला अपने ही पैरों पर बांग्लादेश के लिए कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम ने 20 ओवर में उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 196 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 3 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 50 रन ठोके। वहीं शिवम दुबे ने भी 34 रन बनाकर टीम इंडिया को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत तो काफी खराब हुई। हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। लेजेंडास से लेकर तंजीन हसन, शाकिब अल हसन, यहां तक कि तौहीद हृदय भी कोई अपनी टीम को जीत नहीं दिला सका। बांग्लादेश की पारी भारतीय गेंदबाजों के सामने लुढ़कती नजर आने लगी थी। 138 रनों की स्कोर पर 7 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। देखते ही देखते टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर सुपर 8 में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारतीय टीम की ये यादगार जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफें होने लगी। सभी खिलाड़ी काफी खुश थे, लेकिन उनके खेमे में खुशी की लहर थी। वहीं विराट कोहली ने मैच खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू देते हुए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के लिए तारीफों के कसीदे पढ़ दिए। इन दोनों को मैच का रियल हीरो बताते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया, जिसके बाद कोहली का बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को पसंद भी आया। जी हाँ, भारत की जीत के बाद हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के लिए तारीफ करते हुए कोहली ने कहा कि टीम ने शानदार जीत दर्ज की, सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया, इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारी है, हमें लेने से ये कोई नहीं रोक सकता। रोहित अच्छे कप्तानी कर रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ मैच का असली हीरो हार्दिक है, मैं जितनी भी उसकी तारीफ करूं कम है। हार्दिक ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और टीम को संभाला, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी किया, विकेट निकाल कर दिया। ऐसा करना किसी एक खिलाड़ी के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन हार्दिक ने कर दिखाया। मुझे रोहित पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर इस बार ट्रॉफी जिताएगा, इस तरीके से कप्तानी कर रहा है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट में है। वैसे भी हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है, हम जीत कर इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत लौटेंगे। वेल प्लेड हार्दिक। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी और फिर घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया को दिलाई फिर जीत, बने मैन ऑफ द मैच। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना ये अवार्ड रोहित शर्मा को देकर उनके लिए भावुक कर देने वाला ऐसा बयान दिया कि पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत, कैसे अकेले दम पर बांग्लादेश को चटाया हार का स्वाद, क्यों हार्दिक पांड्या ने अपना वर्ल्ड कप रोहित को देकर दिया उन्होंने भावुक कर देने वाला बयान, ये तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और हार्दिक में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम सुपर 8 में अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में बांग्लादेश के सामने उतरी। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन बांग्लादेश के कप्तान के लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि इस मुकाबले में रोहित और कोहली का भी बल्ला जमकर दहाड़ा। वहीं ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन पारी खेली, मगर सूर्य कुमार यादव केवल 6 रन बना पाए। अंत में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 20 ओवर में 196 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सबसे अधिक रन 27 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के की मदद से 50 रन बनाए।
इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब हुई। हार्दिक पांडे और कुलदीप यादव की खतरनाक फिरकी के आगे बांग्लादेश के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। 98 रनों के ही स्कोर पर चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। फिर क्या भारतीय गेंदबाजों ने घातक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच को अपने शिकंजे में कर लिया और टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली ऐतिहासिक जीत दिला दी। और इसी के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई। सुपर 8 में टीम इंडिया लगातार 2 मैच जीत चुकी है, जिसकी खुशी पूरे स्टेडियम में झलक रही थी। सभी दर्शक बेहद खुश थे, वहीं भारतीय खेमे में भी खुशी की लहर थी। सभी खिलाड़ी बेहद खुश थे। वहीं इस मैच के लिए हार्दिक पांड्या को बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। उन्होंने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से 50 रन बनाए तो वहीं विकेट भी चटकाए। लेकिन हार्दिक ने यह अवार्ड रोहित शर्मा को देकर उनके लिए अनमोल शब्द कहते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। और उसके बाद हार्दिक का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको हार्दिक पांड्या का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने रोहित का जिक्र करते हुए बहुत कुछ कहा है। अपना अवार्ड रोहित शर्मा को देकर हार्दिक पांड्या ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा है कि मैं टीम के लिए प्रदर्शन करके काफी खुश हूं, मुझे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। हमारे लिए बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमने रोहित भाई की तकनीक को अपनाया और उनके कही गई बातों पर खेलना शुरू किया। इसके बाद हमने 50 रन बनाए। मेरे प्रदर्शन का पूरा क्रेडिट रोहित भाई को जाता है। उन्होंने मुझे बोला था संभल कर बल्लेबाजी करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। इसीलिए मैंने अपना पूरा क्रेडिट रोहित भाई को दिया और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच भी उन्हें दे दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं रोहित शर्मा की कम है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। आज भी कप्तानी करना मैं उन्हीं से सीखता हूं। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हार्दिक पांड्या रोहित के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम में एक बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों सुपर 8 में बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक ने रचा नया इतिहास। तो फिर खतरनाक गेंदबाजी कर बांग्लादेश के खिलाड़ियों की तोड़ दी कमर और मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तो आखिर बांग्लादेश को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में वापसी, किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत, कौन सी टीम बनी इस मैच में चैंपियन, अंतिम ओवर तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट देखने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम अपना सुपर 8 में दूसरा मुकाबला खेलने के लिए बांग्लादेश के सामने सर विवान रिचर्डसन स्टेडियम में उतरी। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। और भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एक बार फिर विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा उतरे। वहीं बल्लेबाज बांग्लादेश की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मेहंदी हसन। रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन मेहंदी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। वहीं बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में शाकिब अल हसन, लेकिन इनका स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। वहीं शाकिब अल हसन के ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़कर इनका भी स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंच गया। वहीं बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए तंजीद हसन शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी विराट कोहली ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ाया।